जो 10 लाख रुपया तू मुझसे दादागिरी से वो वसूली के नाम पे छीन के ले गया था ना, वो मेरे बच्चे की ऑपरेशन के लिए था, जो कभी हो नहीं पाया तेरी वजह से। ये मैं तेरे को 24 घंटे का टाइम जा, लेकिन परसों अपने हाथ से मैं तेरे को गोली मारेगा। अरे डब्बा भी कहाँ है? अरे भैया जी, भैया जी, भैया जी, कहाँ कर रहे हैं आप? अरे सही तो कर रहे हैं भाई, अपन अपन साला बहुत बड़े वाला खजूर है रे घंटी। ये शर्म के वजह से ना अपन को अपना सांस लेना भी मुश्किल लग रहा है। बोले तो अपन को सांस लेने का मन ही नहीं करता। काय को मालूम है, अपन साला कोई भी काम करने से पहले सोचते ही नहीं है इसका आगे क्या होएगा, पिछू क्या होएगा। बस सांड का माफी घोड़ा उठाता और घुस जाता है। नहीं भाई घंटी, अपन को अभी एक दिन भी और जीना ना बहुत भारी पड़ रहा है, बहुत भारी पड़। तू ला। अरे नहीं भैया जी, नहीं हम नहीं देंगे। अरे ला। रुको। अरे यमराज भी आ गए भाई, अभी तो जाना ही पड़ेगा, ला इधर। अरे नहीं भैया जी, नहीं। अरे रुको रुको रुको, मैं क्या बोलता है, मैं क्या बोलता हूँ। तू ये ऊ बना काहे घूम रहा है? आओ बली। नहीं। हाँ, टीन का डब्बा। हाँ। लखन भाई। अबे। भाई ये आपके लिए ऐसा बन के आया अपन। अपन के लिए? हाँ। भाई वो बाबा आपको गोली मारेगा ना, तो इसको ना टकराएगा ऐसा टंग निकल से और गोली चिड़िया के पिछू घुस जाएगा। आपको कुछ नहीं होगा भाई, सब आपके लिए क्या भाई, बिल्कुल कुछ नहीं होगा भाई। ये बोले तो सॉरी भाई। अरे अब ना तुम लोग दोनों से बहुत प्यार करते हैं। हाँ भाई। बहुत बोले तो हिसाब के बाहर प्यार करते हैं। पर सुनो है, अपन का ये बात किसी को पता नहीं चलना चाहिए, समझा? भाई भाई आप अपन से बहुत प्यार करते हैं, ये बात अपन जिंदगी भर सीक्रेट रखेगा बस। अरे अरे भाई सॉरी, काय को बार बार प्यार वाला सीक्रेट नहीं रे इड़े। बोले तो अपन ये मरने जा रहे हैं ना, ये बात सुनो सुनो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए भाई। लोग अपने पास अभी खाली एक ही दिन है और अपन को बाबूजी के काम के साथ साथ और भी बहुत काम पूरे करने का भाई, अभी बहुत काम पूरे करने का। मैं क्या जी, बैठ। बैठा ही हूँ यार। हाँ ठीक है ठीक है, बता। ये लो लखन की फोटो। अच्छा वो मुझे लगा ये श्रेयस तलपड़े है। की? और मुझे मेरी बेटे की फोटो क्यों दिखा रही है, पहचानता नहीं मैं उसको? क्योंकि मुझे उसकी शादी सेट करनी है, ये कुड़ी की फोटो। लेकिन इसकी नाक देखकर साफ लग रहा सारी मिर्ची खा जाएगी। ना ना ना, नाक देख के लग रहा है कि मिर्ची खा जाएगी क्या? तो देखो ना, तोते जैसी नाक है, मिर्ची नहीं खा जाएगी। ये फोटो देखो, ये कैसे लगेंगे? तो इतनी उतावली क्यों हो रही है उसकी शादी कराने के लिए? क्योंकि साडा लखन उतावला भी हो रहा है और बावला भी हो गया है। कल रात को पार्टी पे दिखा नहीं था कैसे किस कर रहा था किसी लड़की को? हाय रब्बा, अगर ऐसे किस करके प्यार करके ब्याह करके चौखट पे किसी को खड़ा कर देगा तो क्या होगा? इससे मिल। नमस्ते माँ जी, मैं शकुतरा आपका घर संभालने को आई। कर लाया शादी ये तो। मेरी बेटी को किस करेगा? मेरी बेटी को सलाह तेरे होंट काट के ना उसका चिमटा बनाऊंगा और उस चिमटे में ना मेरा गीला चड्डा सुखाने के लिए रखाऊंगा। जबरदस्त खबर लाया, उससे पहले मस्त गर्मा गर्म मूंगफली खाइए। मेरे सामने ये 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 मेरे सामने जो आता है ये कर, मेरे सामने नहीं आता। भाव इतनी भी क्या हवस कि ये वर्क नानोश फरमा गए। एक लाइन मैं बोलता हूं, वो लखन ने ना
अपनी मर्जी से स्वीटी को नहीं किया। वो पारसी बोमन है ना, बोमन, हाँ। उसकी शर्त थी, इसलिए लखन ने स्वीटी को मतलब लखन स्वीटी से प्यार नहीं करता। अरे भाऊ, प्यार तो बहुत दूर, नफरत के चांसेस ज्यादा लगते हैं। पापा शपथ, आज मेरा दिन बहुत ही हल्का हो गया। भाऊ भाऊ, हाँ भाऊ, लेकिन ऐसा ना हो कि अगली खबर सुन के आपका दिल फिर से भारी हो जाए। तू वो पारसी बमन है ना, उसकी अगली शर्त ये है कि कल सुबह 12 बजे लखन को मरना पड़ेगा। क्या? हाँ, और लखन ने हाँ भी कह दिया है, इसलिए कल सुबह 12 बजे वो पारसी बमन खुद लखन को गोली मारेगा। क्या? लेकिन अगर लखन मर गया तो उसमें जान नहीं बचेगी, और फिर बेजान हालत में वो मेरे साथ सात फेरे कैसे लेगा? मैं लखन को कुवारा मरने नहीं दूंगी। नो, नेवर। बापा शपथ। मेरे ही नसीब में। लेकिन आफ्ताब, लखन मरना नहीं चाहिए। अगर वो मर गया तो अन्ना के रैली में जो बम फटेगा उसका इल्जाम मैं किस पे थोपू? लखन का अभी मरना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। हाँ, अरे बोले तो अंकल, आप इधर क्या कर रहे ले? भांगड़ा कर रहे ले? नहीं पुत्र, मैं तो बल्ब चेंज कर रहा था। काम से आए थे। लेकिन पुत्र तू ये बता, तू ये क्या करके आया? हाँ, अरे माँ, ये बोले तो शकुंतला है। शकुंतला ये आप उनकी माँ है। नमस्ते माँ जी। आज से आपका घर मेरा घर। इससे बेहतर तो वो कल वाली थी। कल वाली? ए, तेरी किसी और से भी बातचीत चालू है क्या? अरे? अगर है तो बता दे, मेरे को बाद में ये मच नहीं चाहिए। अरे कौन कल वाली माँ, तू किसकी बात कर रही है? कौन कल? बेशरम, वो कल वाली जिससे तू कल किस कर रहा था। अरे ओइको, किस? इधर किस विस भी होता है? अरे ए, मैं पहले बोलती, मैं किस विस नहीं करेगी, मैं घर का काम करने को आई बस। सिर्फ घर का काम करने को आए? हाय, ओ मैडम, घर के काम के अलावा भी बहुत काम होते हैं। मेरे लखन को प्यार कौन देगा? ए, इधर प्यार व्यार का कोई बात नहीं हुआ था। 2,500 की पगार में कौन प्यार करेगा? अरे बा, 2,500 तो इस काम के पैसे देगा? अरे हाँ माँ, क्योंकि ये भाई है, घर का काम करने के लिए आए लिए। तू क्या समझ रही थी? भाई? हाँ। खोटे, पहले नहीं बता सकता था, मुझे लगा तू हमारे लिए बहू लेकर आ गया। आईका, बहू? अब अगर सोच ही लिया है तो मेरे तरफ से हाँ है। ए आइटम, तू थोड़ा ठंडा ले, पल्लू वल्लू नीचे कर ले, चल। अरे माँ, ये तेरी सेवा करने के लिए आई है। बोले तो यहाँ पे 24 कलाक रहेगी और तेरी सेवा करेगी, ठीक है? 24 घंटे? कोई प्रॉब्लम है? नहीं पुत्र, प्रॉब्लम क्या होनी है? मैं बोला था 24 घंटे रखने के लिए क्या जरूरत है, मैं हूँ ना पम्मी जी की सेवा करने के लिए। क्या अंकल, अपन देख रहे है आजकल आपकी यहाँ पे सेवा बहुत हो रही है। अपन के भेजे गए वॉइस कोप में ना ये सेवा वाला पिक्चर पूरा 70 mm में चल रहे है, ऐसा मत समझो अपन को पता नहीं है। तो अभी क्या, थोड़ा सेवा को लगाम दो, समझे? लेकिन लखन तो सुनना, ये भाई भाई मुझे नहीं चाहिए, छी छी, ले जा ले जा। अरे माँ, अपन हमेशा थोड़ी रहेगा लखन, ऐसे ना बोल। अरे बोले तो अपन हमेशा इधर नहीं रहता ना, तो तेरी सेवा कौन करेगा? और वो अपन तेरे लिए तू जो चाहे इससे काम करवा ले माँ, तेरे को जो चाहिए वो सब करेगी। हाँ, अपन अभी चलते हैं माँ, अपन चलते हैं। ऐसा क्यों बोल रही है? नहीं रहेगा। माँ तो सेट हो गई, अब अपन की लाइफ में जो दूसरी औरत है उसको सेट करना है।